वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है सोनिया और मैं बनाती हूँ इस चैनल पे वीडियोस जो सब आपके घर से और आप लोगों से जुड़ी हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ होम एंड किचन के ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग के बहुत ही अमेजिंग से टिप्स शेयर कर रही हूँ, जो कि आपके काम को तो आसान करते ही हैं, साथ में सिंपल भी हैं, बहुत ज्यादा फॉलो करने में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। मिट्टी के बर्तनों को जितना साफ करने में आप लोगों को परेशानी आती है, उतना ही उसके अंदर खाना बना हुआ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं इस मिट्टी के बर्तन के अंदर हमेशा सब्जी या दही कुछ ना कुछ बनाती ही रहती हूँ, पर जहाँ बात आती है इसको अच्छे से क्लीन करने की, वहाँ पे हम लोग ना ही इसके अंदर डिश लिक्विड को यूज़ कर सकते हैं और ना ही किसी भी तरीके का साबुन यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को नींबू लेना है और उसके ऊपर लगा लीजिए नमक। नमक से बहुत ही अच्छी स्क्रबिंग हो जाएगी और नींबू की वजह से इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया हैं वो तो मर ही जाते हैं, साथ में जो स्मेल आ जाती थी चीजों की, जैसे कि दही की या फिर आपने इसके अंदर कोई भी सब्जी वगैरह बनाई है, तो वो सारी स्मेल इसके अंदर से आराम से चली जाती है। इसके बाद आप लोगों को इसे नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर लेना है और हो सके तो इसे हफ्ते में एक बार धूप भी हमें दिखानी चाहिए, जिसकी वजह से जो भी बैक्टीरिया रह जाते हैं वो धूप की वजह से आराम से मर जाते हैं। और ये वाला टिप फॉलो करने के बाद आप लोगों को अब अपने मिट्टी के बर्तनों का रखरखाव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो ये सिंक इतना साफ बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही ज़्यादा गंदी कंडीशन में था, क्योंकि यहाँ पे हार्ड वाटर स्टेन इतने ज़्यादा थे कि हम सब ने मेहनत करी वो निकलते ही नहीं थे। तो कंटिन्यूसली सिंक को इतना अच्छे से क्लीन करने के बाद आज ये सिंक इतनी हद तक आराम से साफ हो चुका है। तो अगर आप लोग भी नहीं चाहते हैं आपके सिंक की हालत ख़राब हो, तो आप लोग वहाँ पर नींबू और नमक को यूज़ करके अपने सिंक को हमेशा क्लीन रखिए, हफ्ते में एक बार ज़रूर कीजिए। इससे जो भी चिकनाहट होती है सब्जी की या फिर बर्तन धोने की वजह से सामने की टाइल गंदी हो जाती हैं, वो सब इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। और हमेशा ट्राई कीजिए कि बर्तन धोने के बाद आपका जो सिंक है उसे आप लोग हमेशा ड्राई करें। मनी प्लांट को लेके बहुत सारे आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने कैसे इतने सारे मनी प्लांट ग्रो करे हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो हमारे ट्रक में इतनी जगह नहीं थी, इसलिए मैं बहुत ही छोटा सा एक मनी प्लांट अपने साथ लेकर आई थी। पर आज मैंने कटिंग कर करके बहुत सारे मनी प्लांट्स अपनी बालकनी में और अपने घर में लगा रखे हैं, जो कि आप लोगों ने देखे ही हैं। नोट्स के पास से आप लोग मनी प्लांट को कट कीजिए, उसके बाद आप लोग इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं वाटर के अंदर। वाटर आपको चेंज करना है हर ऑल्टरनेट डे पे, क्योंकि अगर पानी गंदा हो जाएगा तो उसके अंदर से आपके जो रूट्स हैं वो निकलती नहीं है बहुत अच्छे से, इसीलिए आप लोगों को पानी को हमेशा साफ रखना है। और फिर जैसे ही इसमें जड़ें आ जाएंगी तो आप लोग इसे सॉइल में लगा सकते हैं। रेज़र हमारे एवरीडे यूज़ में आती ही है, तो रेज़र को हम लोग यूज़ करने के बाद सोचते हैं कि अच्छे से वॉश कर दिया, थोड़ा सा झड़का देते हैं, इसके अंदर से सारा पानी निकल जाएगा और उसी टाइम पे हम लोग इसके अंदर कैप लगा के चले जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जब कुछ दिन बाद यूज़ करने के लिए उसे निकालते हैं तो देखते हैं ब्लेड के ऊपर ना काफ़ी सारी जंग लग जाती है। इसका रीज़न यही होता है कि हमने उसको अच्छे से एयर ड्राई नहीं होने दिया है। तो अब जब भी आप लोग नेक्स्ट टाइम अपनी रेज़र को यूज़ करते हैं तो उसे अच्छे से कम्प्लीटली एयर ड्राई होने दें उसकी कैप को, और उसके बाद ही उसे लगा के स्टोर करें। सॉक्स को फोल्ड करने के काफ़ी सारे तरीके तो मैं अपनी पुरानी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, पर जो आज वाला तरीका है वो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और जब भी हम लोग कहीं भी जाते हैं तो पैकिंग करने के लिए मैं इसी तरीके को फॉलो करती हूँ, क्योंकि जब हम लोग पैकिंग करते हैं तो सारे सामान के अंदर सॉक्स का एक पेयर कहीं और एक पेयर कहीं मिलते ही नहीं है हमें टाइम पर, और फिर हम उसे ढूंढने में काफ़ी सारा टाइम वेस्ट करते हैं।
तो यहाँ पे आप लोगों को सॉक्स को उल्टा रखना है, जहाँ पे आप लोगों का रबर होता है उस एरिया को आप लोगों को इस तरीके से बाहर निकालना है जैसा कि मैंने वीडियो में करा है। उसके बाद आपको नीचे से लेकर आना है, इसे रोल रोल करना है और बस उसके बाद जहाँ पे आप एंड पे पहुँच जाए उसके बाद फ्लिप कर दीजिए। ये वाला तरीका सबसे आसान है, आप लोग इसे ज़रूर आज ट्राई करना। बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से सारी सॉक्स आप लोग आराम से फोल्ड कर सकते हैं। मेरा बाथरूम दिखाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, पर फिर भी मैंने सोचा कि मे बी ये कुछ लोगों की हेल्प कर सकता है। तो आप लोग देखेंगे कि अगर हमने अपने बाथरूम को अच्छे से क्लीन कर भी दिया है तो ये जो जाली है वो रह जाती है हमेशा। अगर हम जाली को अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो इसका मतलब है हम लोग अच्छे से अपना जो हाइजीन है उसे मेंटेन नहीं कर रहे हैं। उसके लिए आप लोग सिंपल सी अपनी एक टूथब्रश है जो भी पुरानी है उसे ले लीजिए, अपने बाथरूम में सर्फ हमेशा रखिए और उसकी हेल्प से मैं इसे हमेशा क्लीन रखती हूँ। अगेन गर्म पानी से मैं इसे वॉश करती हूँ तो ब्रश भी आराम से इसी में वॉश हो जाती है और टांग देती हूँ आराम से सूख भी जाती है। घर में जब भी हम लोग रिमोट यूज़ करते हैं तो बस यूज़ करके हम उसे रख देते हैं, और जब हमारे घर पे कभी कोई गेस्ट आने वाले होते हैं तब हम लोग सोचते हैं कि रिमोट हमारे कितने गंदे थे, अभी ने फटाफट से कवर भी चढ़ाना है, तो गंदे रिमोट पे तो कवर भी नहीं लगा सकते हैं हम लोग। तो रिमोट को क्लीन करने का बहुत ही आसान तरीका है, ये वाटर विनेगर और डिश लिक्विड का एक सॉल्यूशन है जो कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करा था। ये मैंने अपने घर की क्लीनिंग के लिए बनाया हुआ है, इसी से मैं पहले रिमोट को रफली क्लीन कर रही हूँ, मतलब जितना ये हो सकता था उतना। उसके लिए मैंने यहाँ पे माइक्रोफाइबर का क्लोथ इसलिए यूज करा है क्योंकि वो डस्ट को अट्रैक्ट कर लेता है, वहाँ पे कुछ भी छोड़ता नहीं है। उसके बाद भी जो छोटी छोटी ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपका कपड़ा नहीं जाता है वहाँ पे आप लोग टूथपिक को यूज करें, और टूथपिक के अंदर मैंने यहाँ पे हैंड सैनिटाइजर का यूज करा है जिसकी वजह से ये अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा और सैनिटाइज भी हो जाएगा। तो रिमोट हमारे बिल्कुल चमक गए हैं, आप लोग भी ये आइडिया ट्राई कर सकते हैं। कॉपर की बॉटल हम लोग खरीदते हैं और उसके अंदर पानी पीना प्रेफर भी करते हैं। बाहर से क्लीनिंग हम लोग हमेशा करते ही रहते हैं, पर आज बात कर रहे हैं उसे अंदर से कैसे क्लीन करें, क्योंकि कॉपर की बॉटल अगर आप देखें तो अंदर से काफ़ी गंदी हो जाती है अगर हम उसे प्रॉपरली क्लीन ना करें। इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे एक चम्मच लेना है सिरका, खाने वाला सिरका है नॉर्मल वाइट विनेगर, और उसके अंदर दो चम्मच मैंने नमक ऐड करे हैं और सिंपल आधा ग्लास पानी। इसके बाद आप लोग इसे रेस्ट करने के लिए आराम से 15-20 मिनट छोड़ देना। विनेगर और वाटर के रिएक्शन से आराम से जो कॉपर बॉटल है उसकी क्लीनिंग हो जाती है। थोड़ा सा आप लोगों को इसे हिलाना है और उसके बाद आप देखेंगे नॉर्मल ब्रश से अगर आप साफ करते हैं तो आपकी जो कॉपर बॉटल है अंदर से काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है। अंदर से मैं इसे क्लीन कर ही रही थी तो सोचा बाहर से भी कर देती हूँ, आप लोगों को देखने में शायद अच्छी लगेगी। ये फ्रिज ऑर्गेनाइज़र अगर आप लोगों ने परचेज़ करे हैं तो आई एम श्योर आप लोग भी इससे बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। ये फ्रिज ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल भी काम का नहीं है, इसे अगर आप लोगों ने फ्रिज में लगाया तो ये इतने हल्के हैं कि कुछ भी सामान डालने से नीचे गिर जाते हैं और बहुत सारी स्पेस और लाइट को ब्लॉक करते हैं। तो मैंने सोचा अब खरीद लिया, पैसे वेस्ट कर ही दिए हैं तो कुछ तो यूज़ करें, तो इसीलिए मैंने बालकनी के अंदर इसके अंदर अपने आलू प्याज और जो लहसुन है उसे रख दिया है, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे किचन में कीड़े आ रहे थे वो भी नहीं आएंगे और आराम से इन्हें हवा भी लगती रहेगी। आज मुझे अर्जेंटली सेल चाहिए था और मुझे घर में वो मिल ही नहीं रहा था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो मैंने कहाँ रख के छोड़ दिया है, कहाँ पर है, किस ड्रॉर में है। तो आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ क्योंकि ये हम सबके साथ प्रॉब्लम आती है। सेल एक ऐसी चीज़ है, बहुत छोटी सी है पर अगर ढंग से ऑर्गेनाइज ना करी जाए तो टाइम पर मिलती नहीं है। इसके लिए आप लोग भी ऐसा ट्रांसपेरेंट बॉक्स ले सकते हैं जिसमें कुछ सेक्शन बने हों, इसके अंदर आप लोग रख सकते हैं नए सेल, उन्हें भी काट के रखिए ताकि बहुत सारी स्पेस निकल जाए और ये
जो ओपन सेल है ना, ये वो सेल है जो मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम में लगा रखे थे, जैसे वेइंग मशीन है या फिर बीपी मशीन है, उसके अंदर इन्हें लगा रखा था। पर जब वो यूज़ में नहीं आती हैं तो हमारे सेल ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए मैंने उन्हें निकाल के रखा हुआ है। तो अब जब भी ज़रूरत होगी तो आप लोग यहाँ से सेल को निकाल के आराम से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा लगा था तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा था तो रेड बटन को क्लिक करके आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ लाइव अपडेट्स के लिए और इस चैनल के कुछ छोटी मोटी अपडेट्स के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विद लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टिक ट्रंक, टेक केयर एंड बाय बाय।